मुखबिर की सूचना पर पुलिस की नाकाबंदी, लग्जरी कार से हो रही थी मादक पदार्थ की तस्करी, एक पिस्टल में 4 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ रिया विप्लीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। यदि आपने अभी तक MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मंदसौर जिले की विशेष बड़ी खबर। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 पिस्टल में 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध NDPS व आर्म्स एक्ट में कार्यवाही की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कार क्रमांक RJ 27 CG 2167 से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने बिल्लो नापाखेड़ा रोड स्थित भिंडारा तिराहा आम रोड पर नाकाबंदी की। सूचना के आधार पर कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से 93 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। तलाशी के दौरान आरोपितों से 1 पिस्टल में 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया। वहीं डोडा चूरा हथियार व कार को जब्त कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनके विरुद्ध NDPS एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। गिरफ्तार शुदा आरोपी का नाम सुंदरलाल पिता परमानंद ढोली, उम्र 42 वर्ष, निवासी मारुति नगर सुवासरा। गुमान पिता दुधा मालवी, जाति बलाई, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम टोकड़ा, थाना सुवासरा, जिला मंदसौर। जब्त शुदा मशरूका 93 किलोग्राम डोडा चूरा कीमती 1,86,000 रुपए, एक डस्टर वाहन क्रमांक RJ 27 CG 2167 कीमती 1,00,000 रुपए, एक पिस्टल में 4 जिंदा कारतूस कीमती 20,000 रुपए। पुलिस टीम निरीक्षक गिरीश जेजुकर, प्रभारी नाहरगढ़, उप निरीक्षक समरत सीनम, सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद्र गिरी, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक दीपक सांखला, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक कमलेश सिंह भदौरिया, आरक्षक महेंद्र सिंह, आरक्षक नरेंद्र सिंह, आरक्षक नितेश सोलंकी, आरक्षक चालक लियाकत मेव का सराहनीय योगदान रहा। देखते रहिए MP7 न्यूज।